नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। और आज माहौल टाइट मुद्दे पर कर रहे हैं हम बात। मुंबई में भी कटेंगे तो बटेंगे का फॉर्मूला, जी हां, बटेंगे तो कटेंगे। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के वाले नारे की गूंज सुनाई दे रही है। चुनावों से पहले मुंबई के कई इलाकों में सीएम योगी की फोटो के साथ बटेंगे तो कटेंगे नारे वाले पोस्टर चस्पाए गए हैं। पोस्टर में योगी आदित्यनाथ की फोटो और उनका संदेश लिखा हुआ है। इस पोस्टर को विश्व बंधु राय नाम के शख्स की ओर से लगाया गया। बताया जा रहा है कि विश्व बंधु राय बीजेपी समर्थक है। दरअसल हरियाणा के चुनाव में योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे ने कमाल किया था। सीएम ने हरियाणा चुनाव में 11 सीटों पर चुनावी रैली की थी, जिसमें से 7 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों की जीत हुई थी। ऐसे में सवाल यह है, क्या महाराष्ट्र के चुनाव में भी बटेंगे तो कटेंगे नारे वाला मॉडल अपनाया जाएगा? आज माहौल टाइट में इसी मुद्दे पर बात हो रही है। हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सभी नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। हरियाणा चुनाव के बाद अब महाराष्ट्र चुनाव में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे की एंट्री हो गई है। मुंबई के कई इलाकों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पोस्टर और होर्डिंग्स लगाए गए हैं। अंधेरी ईस्ट, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और बांद्रा जैसे व्यस्त इलाकों में लगाई गई इन होर्डिंग्स पर योगी की तस्वीर के साथ एक प्रमुख नारा बटेंगे तो कटेंगे लिखा हुआ है। इस नारे ने चुनावी माहौल में एक नई हलचल पैदा कर दी है। हरियाणा चुनाव में योगी आदित्यनाथ का एक भाषण था, बटेंगे तो कटेंगे। इस भाषण का उपयोग अब महाराष्ट्र में भी दिखाई दे रहा है। बाकायदा पोस्टर लगाकर पूरे मुंबई में इस तरह के योगी आदित्यनाथ के पोस्टर लगे हैं और ये कहा गया है, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। योगी आदित्यनाथ जो बीजेपी के प्रमुख चेहरे हैं, पहले हरियाणा के चुनाव प्रचार में इसी नारे के साथ सक्रिय थे। अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी उनका ये नारा एंट्री कर चुका है। बीजेपी की रणनीति स्पष्ट दिखती है कि योगी की लोकप्रियता का फायदा उठाकर महाराष्ट्र के मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। उत्तर भारत के लोग यहाँ बहुत हैं जो उनको मानते हैं, इसलिए तो उनका नारा है कि बटेंगे तो कटेंगे। उसका जवाब हमने महाराष्ट्र में भी देने को चालू कर दिया और हरियाणा में तो आपने देखा ही कि कैसे लोगों ने उसका जवाब दिया और एक साथ खड़े रहे भारतीय जनता पार्टी के साथ। राजनीतिक विश्लेषज्ञों का मानना है कि इस नारे के जरिए बीजेपी हिंदुत्व और एकता का संदेश देना चाहती है, जबकि विपक्षी दल इसे ध्रुवीकरण की राजनीति करार दे रहा है। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सभी नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना। बहरहाल महाराष्ट्र में चुनावी सरगर्मी बढ़ चुकी है और ऐसे में योगी आदित्यनाथ के पोस्टर्स की मौजूदगी इस बात का संकेत है कि बीजेपी की चुनावी रणनीति अब और आक्रामक हो सकती है। हालांकि पोस्टर पर कहीं भी बीजेपी का नाम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए माहौल टाइट में यही बात करेंगे, क्योंकि हरियाणा में उन्होंने फॉर्मूला कहा था और उन्होंने ये बात कही थी हर मंच से, कई रैलियों में सीएम योगी ने कहा बटेंगे तो कटेंगे, उदाहरण भी दिए उन्होंने और कहा कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। और मुंबई में भी आप, क्योंकि चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, ऐसे में इसका असर क्या पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ग्राउंड पर क्या है, यही जानेंगे। हमारे साथ तमाम सहयोगी रहेंगे। अश्वनी कुमार हमारे साथ, हमारे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ अतीक अहमद लखनऊ से हमारे साथ रहेंगे। आलोक कुमार हमारे साथ गाजीपुर से रहेंगे। अभिषेक माथुर अलीगढ़ से रहेंगे। पारस गोयल मेरठ से हमारे साथ रहेंगे। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन सबसे पहले अश्वनी कुमार का रुख करते हैं जो मुंबई से सीधे हमारे साथ जुड़ गए। अश्वनी, आपकी रिपोर्ट हमने देखी, जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं बटेंगे तो कटेंगे, और हरियाणा में ये सीएम योगी का फॉर्मूला हिट हुआ। जहां सरकार की संभावना भी नहीं थी वहां बीजेपी का कमल खिल गया और बताया जाता है कि ये नारा बहुत ही बुलंद रहा और यही लोगों में चर्चा का विषय रहा। तो क्या महाराष्ट्र के चुनाव में बटेंगे कटेंगे के जो पोस्टर लगे हुए हैं उसका कुछ असर दिखाई दे रहा है और क्या सियासत में कुछ नजर आ रहा है इस नारे का?
जी देखिए, इस पोस्टर के लगने के बाद चर्चा काफी शुरू हो गई है। विपक्ष भी अब इस पर जो है अपनी जो है बातें रख रहा है। विपक्ष इस तरह के पोस्टर को लेकर सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन चूंकि बीजेपी ने इस बयान के बाद जो एक तरह का प्रयोग हरियाणा में हुआ उसका कहीं ना कहीं फायदा मिला। तीसरी बार सत्ता में बीजेपी वहां पहुंची और जिस तरह से हरियाणा में बहुत ज़्यादा स्थिति अच्छी नहीं थी बीजेपी की, लेकिन इसके बावजूद सत्ता में पूर्ण बहुमत से बीजेपी वापस आई। वो फॉर्मूला यहां पर एक तरह से कोशिश की जा रही है। और आपको ये भी बता दें कि योगी आदित्यनाथ की रैलियों को लेकर भी बहुत ज़्यादा चर्चा है, बहुत ज़्यादा जो है स्तर पर विधायकों की डिमांड है, जिन्हें टिकट दिया गया है, जो मौजूदा विधायक हैं और फिर से चुनावी मैदान में हैं। ऐसे कई लोगों की मांग है कि योगी आदित्यनाथ की रैली उनके क्षेत्र में कराई जाए। करीब 22 से ज़्यादा, जो अभी तक हमारे पास जानकारी है, 22 से ज़्यादा लोगों ने जो है डिमांड की है। कई जगहों पर प्लानिंग भी किया जा रहा है योगी आदित्यनाथ की रैली को, और जिस तरह से उन्होंने बटोगे तो कटोगे का जो है उनके भाषण में ये शब्द का इस्तेमाल किया था, उसके बाद हरियाणा में उस पर अश्वनी ये जो इन्होंने स्लोगन दिया बटेंगे तो कटेंगे, ये लोगों में चर्चा का विषय भी है या नहीं मुंबई के अंदर? जी बिल्कुल, ये मैं आपको बता दूं कि मुंबई में डांडिया बहुत बड़े पैमाने पर होता है। जब हरियाणा में उन्होंने ये बात कही थी उस वक्त जो है मुंबई में बकायदा डांडिया रास के दौरान बड़े बड़े बैनर्स लगाए गए थे जहां पर डांडिया आयोजन होता है, वहां पर लिखा गया था कि बटोगे तो कटोगे। उसमें लव जिहाद का भी एक मुद्दा था कि डांडिया रास में सिर्फ हिंदू समाज को ही एंट्री दी जानी चाहिए, इसके अलावा बटोगे तो कटोगे, इस तरह के पोस्टर्स लगाए गए थे। तो ये चर्चा का विषय चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले जो है पहले भी रहा है, और अब तो बकायदा इसको लेकर एक प्रयोग शुरू हो चुका है। और जो व्यक्ति ने पोस्टर लगाया है वो बीजेपी का समर्थक है, वो किसी पार्टी पद पर नहीं बैठा हुआ है। तो आप इसी से समझ सकते हैं एक तरह का बस जो है वो चुनाव बिल्कुल एक माहौल तैयार किया जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव होने में। अश्वनी लौटूंगा आपके पास, आप हमारे साथ जुड़े रहेगा। अतीक अहमद भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं लखनऊ से। अतीक, जरा लोगों से पूछिएगा, बटेंगे तो कटेंगे, पहले तो हरियाणा में था, अब उसके बाद महाराष्ट्र में चुनावी माहौल है, लेकिन यहां भी उपचुनाव है, बटेंगे तो कटेंगे, योगी का इनारा कितना कारगर साबित हो पाएगा बीजेपी के लिए? बिल्कुल, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो नारा दिया था हरियाणा के चुनाव में उसको देखने को मिला है कि वहां पर काफी फायदा मिला है। हालांकि यूपी में भी चुनाव होने वाले हैं और मराठी चुनाव होने वाले हैं, जिससे पोस्टर लगाए गए हैं। हमारे आम जनता मौजूद, उनसे पूछते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया है, बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो सेफ रहोगे। हरियाणा में ये नारा लगाया था तो काफी वहां पर फायदा मिला चुनाव को लेकर, महाराष्ट्र चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है कितना फायदा मिलेगा और यूपी चुनाव भी होने वाले हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को इस तरह की नारेबाजी से बचना चाहिए, और दूसरी चीज ये है कि इस तरह का जो बयान है ये कहीं ना कहीं से देश को भ्रमित करने वाला है। आप किससे कटने की बात कर रहे हैं, आप किससे बटने की बात कर रहे हैं, किससे जोड़, किसको जोड़ने की बात कर रहे हैं, किसको तोड़ने की बात कर रहे हैं? देखिए, ये कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं, इनका बेस ही केवल जोड़ तोड़ अलग धलग जातियों पे ही डिपेंड है। ये केवल सिर्फ यही करती हैं कि लोगों को तोड़ो और उनको अलग करके अपना राजनीतिक हित साधो। और लोगों से बात कर लेते हैं, क्या लगता है कि आपको क्यों सहमत है कि इन बातों से, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में जो नारा सीएम ने दिया है कि बटोगे तो कटोगे, इसका फायदा मिलेगा उनको और यूपी में चुनाव होने वाले हैं यहाँ पर भी? देखिए, पहली चीज़ तो मैं इसका विरोध करता हूँ, इन्होंने जो ये बयान दिया है, क्योंकि ये एक उत्तर बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और ये एक संवैधानिक पद है, संविधान की शपथ लेते हैं, और ये बयान संविधान के खिलाफ है। तो पहली चीज़ तो मैं इन्हीं से अपील करता हूँ कि ये सब नहीं बोलना चाहिए, और बटोगे तो कटोगे, ये करोगे वो करोगे, जात धर्म में बांटने से सिर्फ देश का नुकसान के अलावा कुछ नहीं है। मान सकते हैं सरकार बना लोगे, आप बांट के सरकार बना लोगे, मगर उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं, आपको क्या लगता है कि इस नारे का कितना फायदा महाराष्ट्र में मिलेगा, क्योंकि हरियाणा में जो नारा दिया था बटो कटोगे का फायदा तो यूपी में भी चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में लगता है कि क्या फायदा मिल सकता है? देखिए, बीजेपी को तो फायदा हो रहा है इन सब नारों से, बीजेपी को फायदा हो रहा है, लेकिन देश को बहुत नुकसान हो रहा है, देश बहुत पीछे जा रहा है, लोगों की मानसिकता बदल चुकी है, लोग एक दूसरे से मिलना पसंद करते हैं, ईद और दिवाली साथ मनाते थे, अब वो सब अलग अलग करते हैं और दोनों लोग एक दूसरे के खिलाफ होते जा रहे हैं, नफरत की राजनीति कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। नफरत की राजनीति, आपको लगता है कि किस नारे का फायदा मिलेगा सीएम योगी जो लगातार ये नारा दे रहे हैं, चाहे हरियाणा की बात हो या महाराष्ट्र की बात हो? इस नारे का फायदा तो मिलेगा, लेकिन ये गलत है,
इसे समाज में जो चले लोग कह रहे हैं कि नारे का फायदा तो मिलेगा लेकिन ये गलत है। चलिए हम अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक हमारे साथ अलीगढ़ से। अभिषेक जल्दी से पूछे लोगों से, बटेंगे तो कटेंगे, हरियाणा में ये नारा बुलंद रहा और फायदा हुआ बीजेपी को, अब यहाँ क्या सोचते हैं? महाराष्ट्र में भी बीजेपी यही नारा वहां गूंज रहा है, उसका आपको लगता है, लोगों को लगता है कि महाराष्ट्र में योगी का ये नारा चलेगा और क्योंकि यहां भी उपचुनाव है? बिल्कुल, देखिए जयप्रकाश जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से बटेंगे तो कटेंगे नारा हरियाणा में हिट हुआ और उसके बाद मुंबई में भी ये नारा सुनाई दे रहा है, इसी को लेकर के, इसी नारे से भाजपा ही काफी उत्साहित है। यूपी में चूंकि 9 सीटों पर उपचुनाव होना है और इसी उपचुनाव को लेकर के बीजेपी ने अपनी तैयारी कर ली और ये जो नारा है कहीं ना कहीं ये यूपी के उपचुनाव में भी सुनाई दे सकता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम भाजपा के नेता हैं, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे हरियाणा टू वाया मुंबई पहुंच गया नारा, यूपी में कब आने वाला? यह जो नारा माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सभा में कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, इससे पूर्व हमारे जो पूर्वज थे वो भी कहते थे जब जब परिवार का बंटवारा होता है तो हमेशा उसका नुकसान उस पूरे संयुक्त परिवार को उठाना पड़ता है। यही बात योगी जी ने कहा है कि जब जब हिंदू बटा है तब तब हिंदू कटा है। हिंदू बटेगा तो कटेगा, पहले भी कटा है। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो जो पीडीए की बात इस समय हमारे विपक्ष कर रहा है, समाजवादी पार्टी कर रही है, कांग्रेस कर रही है, इसी प्रकार का एक कुछ प्रयास उस समय के मोहम्मद अली जिन्ना ने, जिन्होंने इस देश को बंटवारा करने के जो प्रमुख नायक थे। अच्छा ये बताइए, अब इस समय किन से कटने की बात कही जा रही है, किन से बटने, क्योंकि लगातार विपक्ष ये आवाज उठा रहा है कि किन से कटने का डर है? मैं वही बताना चाह रहा हूं कि उस समय मोहम्मद अली जिन्ना ने कि वहां पर एक जोगेंद्रनाथ मंडल दलित नेता थे, उनको बहकाने का काम किया। उन्होंने कहा दलित मुस्लिम एकता को लेकर यहां पर एक संयुक्त हम सरकार बनाएंगे। पहली सरकार में वो मंत्री बने, 1947 से 1950 तक वो मंत्री रहे। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूं, बटेंगे तो कटेंगे, जिस समाज पर अब तक हमारे जो नेता हैं जो एक वोट की राजनीति कर रहे हैं, विश्वास करते हैं, वो विश्वास करने लायक समाज कभी नहीं रहा, वो संप्रदाय कभी विश्वास करने लायक नहीं रहा। 1947 से 1950 के बाद उन्हें पाकिस्तान छोड़कर देश वापस आना पड़ा। तो हिंदू समाज जब जब बटा है तब तब कटा है और जब जब बटा है तब तक विदर्भियों की सरकार हमारे ऊपर आई है। अभी कोई भी विषय जैसे 1900 अभी धारा 370 का विषय है, धारा 370 जब तक जम्मू कश्मीर में थी तब तक न दलित को आरक्षण मिल रहा था न पिछड़े को आरक्षण मिल रहा था। धारा 370 खत्म करने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। आपसे जानना चाहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, योगी जी का नारा कितना तक है? देखिए अगर महाराज जी ने ये नारा दिया है तो ये पूरे मैं समझता हूँ कि हिंदुओं की आवाज है। और अगर इस राष्ट्र की हम जब बात करते हैं, परिकल्पना करते हैं, तो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना हर एक सनातन धर्म का उपासक करता है। और अगर हम बात करें कि बट बट की स्थिति अगर हम देखें तो ये देश पहले भी बांटने की बहुत कोशिश की, प्रयास किए, ये तब भी सब सनातन भाइयों ने सबने साथ दिया, सहयोग किया, तब जाके ये देश एकत्रित हो पाया और एक जगह केंद्र में इसकी सरकार को अगर लेने की अगर बात करें तो 2014 से आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार इस प्रयास में है कि इस देश के जो भी भूमि के टुकड़े कोई बाहर था तो उस पर कोई विवादित था उसको संगठित करके अखंड भारत की हम कल्पना की ओर जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि महाराज जी ने ये जो स्थिति हरियाणा में जाके देखी और उसको बताया और उस मूल मंत्र से वहां हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनी, तो मुझे लगता है कि आज जो पोस्टर और ये मुंबई में से लेके पूरे देश में प्रचार महाराज जी का हो रहा है कि कटते कटते स्थिति है कि और पार्टियों का वोट शेयर है, आज वो इस बात पर लड़ाई पे आ गई है कि वो सिर्फ एक समाज की एक समुदाय की लड़ाई का उन पर वोट रह गया है और उस वो इतना वोट उनको पाएंगे। आप बताइए बटेंगे तो कटेंगे कैसे देखते हैं? देखिए जब ये नारा महाराज जी ने दिया और ये नारा यूपी से चलकर देश की आर्थिक नगरी में जा रहा है जहां ये कहते हैं कि सिर्फ मुंबई में एक अलग तरह की संस्कृति है, तो अब अगर मुंबई भी इस बात को लेकर चिंतन कर रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे और कटने के प्रयास इतिहास में कई बार रहे, जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष जी ने बताया, जिला महामंत्री जी ने बताया, 1947 में 6,00,000 मौतें कैसी हुई, 1945 में जिन्ना ने एक नारा दिया डायरेक्ट एक्शन जे। चलिए अभिषेक, ये जो बीजेपी के समर्थक है ये मानते हैं कि ऐसा होगा। चलिए हमारे साथ पारस गोयल भी जुड़े, जल्दी से पारस लोगों से पूछ लीजिए, जो तमाम महिलाएं बटेंगे तो कटेंगे ये नारा अब मुंबई महाराष्ट्र के चुनाव में भी गूंज रहा है, कैसे देखते हैं लोग? आवाज नहीं जाए पारस।
चले गाजीपुर चलते हैं, आलोक हमारे साथ है। आलोक जल्दी से लोगों से पूछिएगा, बटेंगे तो कटेंगे पहले हरियाणा में गूंज रहा था, अब महाराष्ट्र के चुनाव में गूंज रहा है, बीजेपी को क्या फायदा होगा? जी देखिए, एकता में अनेकता, नेक और बटेंगे कटेंगे तमाम तरह की बातें जो है मुख्यमंत्री जो के द्वारा की गई थी, जिसका परिणाम हरियाणा चुनाव में देखने को मिला। लेकिन गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी ने बटेंगे कटेंगे को एक कोट बट दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विधानसभा प्रत्याशी रहे जनक कुशवाहा कांग्रेस के, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे सर, जिस तरीके से हरियाणा चुनाव में बाबा का एक नारा जो है वो जीत हुआ था, बटेंगे कटेंगे, किस नजर से देखेंगे क्या रहेगा और महाराष्ट्र चुनाव को देखकर क्या बताएंगे? देखिए राहुल गांधी जी और विपक्ष के लोगों ने बार बार कहा कि ये सरकार जो है संविधान बदलना चाहती है, ये संविधान आलोक बाइक थोड़ा नजदीक रखिए ऊपर उनके साथ, संविधान में कहीं बड़े नहीं है, संविधान इसी को बदलने को कहते हैं, क्योंकि आप जो है एक मुख्यमंत्री के पद पे रहते हुए इस तरह से गैर जिमराना बयान आप देते हैं कि बटोगे तो कटोगे, आपको संविधान में विश्वास नहीं है, आप को कुछ फायदा हो सकता है लेकिन पूरा देश होगा हम यह नहीं कह सकते हैं। देखिए हर जगह परिस्थितियां अलग है, हमारा देश का एक ऐसा कल्चर है यदि कोस कोस पे बाड़ी बदल जाती है, सिचुएशन बदलता है, तो हरियाणा में जो चलता है वो जरूरी नहीं है कि महाराष्ट्र में चला, लेकिन यह नारा जो है देश के लिए बहुत खतरनाक है, जिस तरह से सर देश के लिए बहुत खतरनाक है सर, देश की एकता और अखंडता के लिए यह बहुत बड़ा मूल मंत्र है, बटोगे तो कटोगे, निश्चित तौर पे जहां हम विभाजित होते हैं वहां हम कमजोर होते हैं, तो मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो यह नारा है कि बटोगे तो कटोगे, यह देश के लिए एक मूल मंत्र है कि भारत के लोग कभी मतलब जो है बटने में नहीं बल्कि विस्तारवादी नीतियों में अपना महत्व रखें, और भारतीय जनता पार्टी तो एक ऐसा राजनीतिक दल है जो देश के लिए, भाई साहब ने अभी कहा कि संविधान खतरे में है, भारतीय जनता पार्टी ने 1977 में अपने मूल स्वरूप का जो है विलय कर दिया था देश के संविधान को बचाने के लिए। देश के आलोक जल्दी जल्दी सब लोगों से पूछ लीजिए एक एक रिएक्शन, बहुत कम टाइम है हमारे पास। और देश के बाद जो है कहीं ना कहीं मतलब जो है पार्टी आती है तो ये निश्चित तो हम कह सकते हैं इस तरीके से कह रहे हैं कि ये योगी आदित्यनाथ जी का ये जो है मूल मंत्र है, क्या देखते हैं क्या इत्तेफाक रखते हैं? देखिए ये देश में आज की जो पोजिशन चल रही है, बटेंगे तो कटेंगे, तरह तरह की बातें जो चल रही है, आज लोगों को जोड़ने की बात हम कर रहे हैं, बटने की बात नहीं कर रहे हैं, हर आदमी एक दूसरे से जुटे, आपसी प्रेम हो जी, ये होना आपसी प्रेम हो, क्या कह रही है 1711 में मोहम्मद बिन कासिम जब भारत में आक्रमण किया। चलिए देखिए ये गाजीपुर के लोगों की राह है, मैं जल्दी से पारस जल्दी से लोगों से बात कर लीजिए, बटेंगे तो कटेंगे को लेकर कैसे क्या सोच रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में भी इसकी गूंज है। देखिए बिल्कुल, महाराष्ट्र चुनाव में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान की चर्चा, आप बताएं बटोगे तो कटेंगे किस तरीके दिखते हैं? बिल्कुल, ये बयान जो हमारे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है, मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो इतने मुखर होकर बोलते हैं हिंदुओं के लिए, हिंदुत्व के लिए, और ये बयान जो उन्होंने दिया है, आज क्या स्थिति है हिंदुओं की बांग्लादेश में देखिए, पाकिस्तान में देखिए, तो उनकी स्थिति को देख के ही तो उन्होंने ये कहा है, अगर हिंदू बटेगा तो कटेगा, आप बताए किस तरीके से देखते हैं इनके बयान को मुख्यमंत्री के? मैं बिल्कुल देखती हूँ और बहुत अभिनंदन करती हूँ इनके बयान का, जिस हम राष्ट्र से भी बिलोंग करते हैं उसमें हमेशा एकता की बात दिखाई गई है, जिस धर्म से बिलोंग करते हैं हिंदू धर्म से उसमें भी हमेशा एकता की बात कही गई है और परिवार। चलिए मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास इतना ही वक्त था आप लोगों तक पहुंचने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, माहौल टाइट में बस इतना ही। लेकिन इस बार एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर अखिलेश यादव और डिंपल यादव का पलटवार भी सामने आया, सपा मुखिया कहना कि वो बांटने वाला नारा लगा रहे हैं, वहीं डिंपल यादव कहना कि नकारात्मक नारेबाजी है, ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा है, ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा था, उन्हें किसी से बुलवाना था तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बेहतर कौन बोलता, उनकी छवि भी वैसी ही है, अगर वो कह रहे कि बटो नहीं कटो नहीं तो पीडीए परिवार भी तो नहीं बटेगा, तो वो तो नारा आपके लिए लगा रहे हैं कि पीडीए परिवार के लोग, प्रदेश के जो लोग हैं वो इस बात को समझ गए हैं कि जो मौजूदा सरकार है वो लगातार अपने इस तरह के बयान से लोगों का ध्यान भटकाने का जहां उन्होंने काम किया है पहले भी और लगातार करेंगे, लेकिन आज जो युवा है वो केवल चाहता है कि उसे रोजगार और नौकरी मिले, आज जो हमारे उत्तर प्रदेश की बेटियां बहुएं बहनें जो हैं वो चाहती है कि बेटियों को सुरक्षा मिले, और हमारे जो किसान हैं वो चाहते हैं कि उनको खाद मिले, सस्ती बिजली मिले, उन पे बातों से कोई फर्क होने तो कटेंगे। हरियाणा में सुधा महाराष्ट्र तक पहुंच गया और फिर यूपी में सियासत हो रही है, माहौल टाइट।